किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप देख रहे हैं अमेजिंग किसान का यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी व्यवहारिक खेती की संक्रांत, जिसमें हम बायो कंट्रोल एजेंट्स की बात कर रहे हैं, उसका छठा भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। इस भाग को तैयार करने के लिए मुझे लगभग 10 दिन लगे हैं, जिसमें मैंने बहुत कुछ लेख पढ़े हैं और इस लेखों को संग्रहित कर एक नया लेख बनाया है जो आप सबको मिलेगा, और इसमें एक बहुत बड़ी समस्या का निदान हम आपको बताएंगे। वो क्या है कि जितने बायो कंट्रोल एजेंट हैं, जब आप इन्हें खरीदने बाज़ार में जाते हो, तो जैसे मेरे पास ये है, कृषि विभाग का दिया हुआ है ये यूपी डर्मा, एक मेरे पास ये मेघधनुष का है, ये 250 ग्राम का पैकेट है मेघ डर्मा, ये बहुत छोटा सा पैकेट है, ये बड़ा पैकेट है, ये मुझे 100 रुपये में मिला है, क्योंकि 100 रुपये इस पर सरकार सब्सिडी देती है, इसकी कीमत वैसे 200 रुपये है, ये मुझे इसकी कीमत, इसमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा है 275, जो मुझे इस पे से 10% कम कर मिला है, लगभग 250 रुपये समझिए इसको। अब इसी प्रकार जब आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लेने जाते हैं, आज मैं ट्राइकोडर्मा की बात कर रहा हूँ, हम एक एग्जाम्पल लेंगे ट्राइकोडर्मा की, क्योंकि मैंने आपको 8 बायो कंट्रोल एजेंट बताए थे, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बेसिलस सबटिलिस और बेसिलस थोरेंजेसिस, और ये इस प्रकार मैंने आपको 8 बायो कंट्रोल एजेंट बताए थे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ एक ले रहा हूँ, ट्राइकोडर्मा। इन दो कंपनियों के अलावा मैंने कुछ और कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर और उनका जो प्रोडक्ट मेरे पास मिले, मैंने उसमें पढ़कर कुछ तथ्य निकाले हैं और ये एनालिसिस की है कि आप कितना इनको पे कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, किस मूल्य पर खरीद रहे हैं और इसमें आपको कितना ट्राइकोडर्मा मिल रहा है और असली ट्राइकोडर्मा का मतलब क्या है। किसान साथियों, ये जो यूपी डर्मा है, ये मुझे कृषि विभाग से मिला है, और इसी प्रकार ये मेघधनुष का मेघ डर्मा है मेरे पास में। अब मैं इनकी एनालिसिस करूँगा। इसकी एग्जाम्पल हम लेंगे ये यूपी डर्मा से। आप देखिए, इसमें लिखा है यूपी डर्मा ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, जो मैंने ट्राइकोडर्मा की दो स्पेसीज बताई थी कि एक विरिड होती है, एक हर्जेनियम होती है, तो इसमें हर्जेनियम है। ये जैविक फफूंदी नाशक है, हमने बताया था कि ये फंगस की कैटेगरी में आता है और इसलिए ये फफूंद नाशक है, और ये 2% घुलनशील चूर्ण है। अब हम इसको नोट कर लेते हैं कि ये 2% क्या है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं डर्मा की, और आपको जब भी कोई प्रोडक्ट, कोई भी बायो कंट्रोल एजेंट खरीदेंगे, तो इन बातों को ध्यान देंगे और इनसे कैलकुलेट कर देखेंगे कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। इसके बाद इसमें लिखा है ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम 2×10⁻⁶ CFU। इसके बाद लिखा है इसका जो CFU है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, जैसे हम किलोग्राम ये मात्रा होती है, इस तरह से इसमें जो सूक्ष्म जीव है उनके लिए ये एक यूज करते हैं मात्रा के लिए, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ये है 2×10⁻⁶। उसके बाद लिखा है CFU प्रति ग्राम, और ये प्रति ग्राम है। इसके बाद आप इस प्रोडक्ट पर और देखोगे तो इसमें लिखा है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज 0.50 ग्राम, और फिर लिखा है टोटल 100%, ये टोटल 100%, और फिर लिखा है W/W। इसके बाद आप देखोगे इसमें तो मात्रा लिखी हुई है शुद्ध मात्रा 1 किलो, यानी 1 kg, जो इसका नेट वेट है, वेट है वो 1 किलो है। इसका प्राइस नहीं कहीं भी मेंशन्ड है इसमें,
चूंकि ये सबको उसमें मिलता है, सब्सिडी मिलती है, और वैसे ये हमें बताया जाता है कि ये 200 रुपए का है और ये 100 रुपए में मिलता है। अब जब ये चीज़ें हैं तो किसी पे यहाँ 2% की बजाय 1% भी होगा, किसी पे यहाँ 2×10⁻⁷ होगा, किसी पे 2×10⁻⁸ होगा, किसी पे यहाँ पे 1×10⁻⁹ होगा। ये ऐसा क्यों है और ये इसके साथ मिलकर इससे हमें क्या पता चलता है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये देखते हैं कि इसकी गुणवत्ता क्या है। तो ये जो मानक हैं जितने भी, ये इसमें जो पाउडर है वो पाउडर और इसमें जो इसके हर्जेनियम के जो जीवाणु हैं उन जीवाणु की गुणवत्ता बताता है। और ये 100% जो है ना वेट पर वेट क्या है और इस 1 kg का मतलब क्या है, ये मैं आज आपको सबको समझाऊंगा। इसी प्रकार मैंने 6 कंपनियों के, जिसमें इफको है, आईपीएल है, टी स्टेन है, और दो ये मेक डर्मा है, मेक धनुष बायो फर्टिलाइजर है, और 2 कंपनी मैंने लिए हैं अमेजन से। तो अमेजन पे जो प्रोडक्ट है उस पे काफ़ी प्रोडक्ट में मुझे इनमें से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली या अधूरी सूचना थी जिससे कि मैं अपना कैलकुलेशन पूरा कर सकूं और ये पता कर सकूं कि इसकी गुणवत्ता क्या है। अब ये ऐसा क्यों होता है कि इसमें 2×10⁷ है, 2×10⁹ है या 8 है। जैसे ये देखिए, ये जो मेक डर्मा का है, मेक धनुष का, इसमें लिखा है ट्राइकोडर्मा स्पेसीज 5%, यानी 2% की बजाय ये 5% हो गया है यहाँ पे। उसके बाद लिखा है पाउडर फॉर्मुलेशन 1×10⁹, तो ये 1×10⁹ हो गया और ये जो है ना इसका CFU है और इसका टोटल वेट जो है ना ये 500 ग्राम और 250 ग्राम है कुल। तो अगर आप देखोगे यहां पर ये संख्या बढ़ गई, ये भी ये चेंज हो गया और इन्होंने इसकी मात्रा कम कर दी, तो क्या इसकी गुणवत्ता से अधिक है या कम है, ये आपको तो पता नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बातें बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और जब मुझे कोई सवाल करेंगे आप, बहुत लोग मेरे उस पर कमेंट करते हैं, जो 375.5 थी बहुत लोगों ने देखी है और मुझे बहुत कमेंट मिले हैं उस पर, जो कि मेरा उत्साहवर्धक करते हैं, तो मैं ये आप लोगों को समझाऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि हम एक टेबल बनाएंगे, हमारे लिए है इसमें एक वेट है इसका 1 किलोग्राम, जिसे हम कह सकते हैं 1000 ग्राम्स। पहली चीज ये ध्यान रखिए, तो जो भी डब्बा है उस पर आपको उसका वेट देखना है। दूसरा है मीडियम, मीडियम पर हमें इतना ध्यान नहीं देना है, इसका जो मीडियम है इन्होंने कहीं भी इसमें लिखा है टाल्क पाउडर, यानी टेलकम पाउडर, जो पाउडर हम अपने को इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर पर डालने के लिए, उसका मीडियम है। मैंने बताया था आप लोगों को बायो कंट्रोल एजेंट्स की जो शुरू में बताया था कि इन्हें किसी माध्यम में रखते हैं, तो अगर ठोस माध्यम है तो वो टेलकम पाउडर होता है। उससे भी हम कह सकते हैं कि इसका जो मीडियम है वो टेलकम पाउडर है, इससे हमें कोई ज़्यादा अधिक फर्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज क्या है इसमें, टोटल बायोमास। ये जो टोटल बायोमास है इसका अर्थ क्या है और बायोमास क्या चीज होती है? तो बायोमास जो हम निकालते हैं, बायोमास को ये समझिए कि ये छोटे छोटे जीवाणु हैं आपके ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम के, आप सबको पता है, और इन्हें किसी एक पदार्थ में, जो सेल्युलोज पदार्थ है जो मैंने बताया था, उससे चिपका दिए गए हैं, उसमें रख दिए गए हैं और फिर इसको एक डब्बे में बंद कर दिया है और इसमें हमने टेलकम पाउडर भर दिया है। तो ये जो ये पार्ट है आपका, ये जीवाणु और ये सेल्युलोज, ये आपका 1% है। तो ये जो टोटल बायोमास हुआ, ये हुआ आपका, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंट, 2% का मतलब क्या हुआ,
2% इक्वल टू 2/100 इक्वल टू कितना हो गया 0.02, यानी कि 0.02 इंटू 1000, तो 2000 कर दिया तो ये मिल गया हमारे को 20 ग्राम, यहाँ पे लगा दिया इक्वल टू 20 ग्राम, यानी इसका जो ये बायोमास है ये 20 ग्राम है जो हमें मिल रहा है। 2% का मतलब हुआ 20 ग्राम। अगर हम इसे 1% करेंगे तो ये 1/100 हो गया, तो ये हो गया 0.01। और 0.01 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 ग्राम। यानी हमारे जो जीवाणु हैं ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम के या विरिड के, वो इसमें ये जो बायोमास है उसका कुल 10 ग्राम है या 20 ग्राम है। तो 2% का मतलब यह आपका टोटल बायोमास हो गया 20 ग्राम। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब हमें आता है जो चौथा पॉइंट है CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, वो कितनी है इसकी 2×10^6 पर ग्राम। तो ये हो गया हमारा, तो जो टोटल हमारे CFU हो गए इसमें कितने ग्राम में, 20 ग्राम में, तो 20×2×10^6 यानी कि कितना हो गया, 20 को इससे करिए 40 और इसके आगे 6 जीरो लगाइए, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन्हें काउंट करिए, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, 4 करोड़। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो स्पोर्स हैं हमारे वो 4 करोड़ हैं। मटेरियल कितना मिल रहा है हमारा, 1 किलो। स्पोर्स कितने हुए जो इसने लिखा है, हमारे को 4 करोड़ इसमें उसके स्पोर्स मिल रहे हैं, उन्हें स्पोर्स कहे गया। क्लियर हो गया ये। अब हम काउंट करते हैं एक दूसरे उसका, जिसका पैकेट मेरे पास है मेघधनुष बायो फर्टिलाइजर का, इसका वेट कितना है, 250 ग्राम। मीडियम क्या है, इन्होंने जो मीडियम बताया है ये कोई ऐसा कार्बनिक मटेरियल है, टेलकम पाउडर नहीं है, जो 98% सोलेबल है वाटर में। तो हम कहते हैं वाटर सोलेबल मटेरियल। टोटल बायोमास कितना है इसका, हम करेंगे इसकी कितनी थी इसमें क्वांटिटी, 5%। 5% इक्वल टू 0.05 ग्राम और इसमें कितना है, 250 ग्राम वजन है इसका कुल, तो कितना आ गया आपका, 25×125, 125 और 10 आ गई, तो ये आ गया आपका 12.5 ग्राम। तो मटेरियल कितना आ गया इसका, 12.5 ग्राम जो टोटल बायोमास है। देखिए ये पैकेट 1 किलो का है, इसका टोटल बायोमास है 20 ग्राम, ये पैकेट 250 ग्राम का है, इसका बायोमास है 12.5 ग्राम। आप देखिए अब हम करते हैं इसका CFU काउंट। इसका CFU काउंट का कितना है, 1×10^9। इसका 6 था, यहाँ पे 2 की बजाय 1 हो गया, कम हो गया, और ये इन्होंने बढ़ा दिया, यानी कि स्पोर की मात्रा पर ग्राम बढ़ा दी, तो टोटल कितना हो गया इसका, 12.5×1×10^9। यानी कि अगर 12.5 के बाद में अगर हम 10^9 से गुणा करेंगे इसे, तो हमारा आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ये पॉइंट जो है ना इसकी कम कर दीजिए, तो ये आ गया हमारा 125, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, है ना, 10 करोड़ है ना ये, तो कितना आ गया, इसे हम कह सकते हैं 1200
इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो इसे हम कह सकते हैं 1250 करोड़। अब आप काउंट करिए, इसकी कीमत है 250 रुपये, इसकी कीमत है 200 रुपये, जो गवर्नमेंट ने 100 रुपये सब्सिडी दी है मैं उसको भी काउंट कर रहा हूँ, इसकी जो हमें इसकी जो गुणवत्ता मिल रही है वो मिल रही है 4 करोड़ और इसकी मिल रही है 1250 करोड़, कितना फर्क है। इसी प्रकार अगर आप इफको, टी स्टेन्स और आपका जो आईपीएल है और भी दो कंपनियां हैं उनका देखोगे तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें कौन सा उत्पाद हमारे लिए पैसे और इसकी गुणवत्ता में सही है। इन सब को मैंने एक पेपर में विश्लेषण किया है, जितने प्रोडक्ट हैं वो लिए हैं, हर टेबल में किए हैं और फिर छेट इनके जो उत्पाद हैं इनको एक टेबल में उनका कंपैरिजन किया है और ये निर्णय आप पर छोड़ा है। मैं किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाज़ार में जो ट्राइकोडर्मा के ठोस अवस्था में प्रोडक्ट मिलते हैं उनमें से आपको कौन सा लेना है, ये निर्णय आपको करना है, किस बात को, उसका मूल्य और उसमें जो उसकी स्पोर्स है उनकी क्वांटिटी पर, यानी कितनी मात्रा, जितनी अधिक मात्रा होगी। मान लीजिए किसी में हमें 2000 करोड़ हैं, जो आप आईपीएल का लोगे तो उसमें 2000 करोड़ हैं लेकिन उसका प्राइस जो है ना लगभग 400 रुपये के लगभग है, तो दोनों का आपको कंपैरिजन करना है और तब ये डिसाइड करना है कि उन 6 में से, या कोई और भी हो सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, करीब 20 प्रोडक्ट हैं, उनमें से कौन सा आपको लेना है। इस प्रकार की विवेचना मैंने पूरा इंटरनेट खंगाल माला है, सब पेपर देखे हैं, कहीं भी नहीं मिली है। और ये मुझे तब पता चला जब मुझे मेघधनुष ने ये प्रोडक्ट भेजा जिसे मैं प्रयोग करता हूँ और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं कि इसमें क्या फ़र्क है, हम क्यों लें, ये 5% का मतलब क्या है, तब मेरे को लगा कि मुझे ये बातें अपने किसानों से साझा कर रही। किसान साथियों, जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जो आपको मेरी वेबसाइट पर ले जाएगा और वहाँ से वहाँ आप पढ़ भी सकते हैं इस पूरे आर्टिकल को जो 8 पेज में है और मैंने उसमें कहाँ कहाँ से क्या सूचना इकट्ठी करी है उनके रेफरेंस भी दिए हैं, आप उसे पढ़ भी सकते हैं, आप उसे डाउनलोड कर, प्रिंट कर अपनी फाइल में रख भी सकते हैं। तो ये सब जो मैंने बताया है इससे आपको कैलकुलेट करना है, एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिए और कैलकुलेट करिए और इन्हें प्रयोग करना शुरू करिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। इसका जो आर्टिकल है वो देखिए मैंने इस नाम से लिखा है, बायो कंट्रोल एजेंट्स भाग दो, जो पहला आर्टिकल था वो भाग एक था और इसका जो है कौन सा उत्पाद अधिक प्रभावशाली है। मैं आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि ये इसने 2 × 10⁶ लिखा, इसने 1 × 10⁹ लिखा, क्या सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती कि आप जो है ना ऐसे क्यों लिख रहे हो, आप क्यों लिख रहे हो? सरकार ने किया है, सरकार ने क्या किया है कि जो ये CFU काउंट होते हैं उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया है, गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड है जिसका रेफरेंस मेरे पेपर के अंत में दिया गया है, उसमें ये बताया गया है कि कौन सा कैरियर यानी मटेरियल आप लोगे, कम से कम, उन्होंने कम से कम कहा है तो उन्होंने कहा है कि कम से कम उसमें CFU काउंट यानी मात्रा इतनी होनी चाहिए, 2 × 10⁶ होनी चाहिए, ये आप बढ़ा सकते हैं और ये 1% होना चाहिए और इसको फिर इतने कम से कम होना चाहिए, तो लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा देते हैं किसान को तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो जो स्टैंडर्ड है वो मिनिमम का है, कुछ कंपनियां मिनिमम बनाकर बेच रही हैं या उन्होंने जो भी प्राइस रखा है वे जानते हैं, कुछ अधिक बनाकर, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट पर अगर हो ट्राइकोडर्मा को 2 × 10⁶ कम नहीं मिलेगा आपको और ये जो है ना 1% से कम नहीं मिलेगा। किसान साथियों,
ये मेरी थी एक छोटी सी प्रस्तुति कि जब भी आप कोई बायो कंट्रोल एजेंट खरीदने जाएं, मैं ठोस अवस्था की बात कर रहा हूँ, मैंने लिक्विड वालों की नहीं करी, उनकी भी एनालिसिस आप इसी प्रकार कर सकते हैं। क्योंकि अधिकतर जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो बाज़ार में ठोस अवस्था में मिलते हैं, जो लिक्विड है वो बहुत कम है। जैसे डॉक्टर राजन लेबोरेटरी बनाते हैं, या हमारे जगपाल सिंह जी बताते हैं, फार्मर वाले बनाते हैं, टी स्टेन भी बनाता है, लेकिन सभी प्रोडक्ट, 8 के 8 प्रोडक्ट किसी भी दुकान पर आपको नहीं मिलेंगे। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, अगर सभी आपको लेने हैं या इनमें से जौन सा भी लेना है, इसके लिए आप जगपाल जी हैं, जिनका मैंने पिछली वीडियो में रेफरेंस दिया था, फार्मर्स है, एक सोसाइटी चलाते हैं वो, उनके यहाँ से ले सकते हैं, डॉक्टर राजन लेबोरेटरी के यहाँ से ले सकते हैं, मेघधनुष फर्टिलाइज़र के यहाँ से ले सकते हैं, तो सभी प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। या किसी कंपनी को लिखिए, क्योंकि सभी कंपनियों ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर रखे हुए हैं, तो मैंने बहुत कोशिश की, मुझे सभी प्रोडक्ट एक जगह पर नहीं मिले। ये थी जो मैंने अब तक सब कुछ बताया। इसके बाद एक भाग इसका और मैं बनाऊंगा। मुझे कुछ लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं कि जिनका उत्तर देना चाहिए। जैसे वो कहते हैं, क्या हम इनके साथ में कार्बोफुरान मिला सकते हैं? जो मैंने बताया है कि ज़मीन में जो 3 स्पेसीज बताई हैं कि एक ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और बैसिलस सबटिली, जब भी कोई फसल बोए तो ज़मीन में इनको अवश्य दे फसल बोने से पहले और मल्टीप्लाई कर दे, तो वो कह रहे क्या हम कार्बोफुरान डाल सकते हैं, क्या हम ये क्या नाम इसके साथ पेसोलोमाइसिस मिला सकते हैं, क्या हम कोई और केमिकल डाल सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जो भी दिए हैं उन सबको इकट्ठा करके और फिर ये बताऊंगा कि आप कौन सों को इकट्ठा कर सकते हैं और किस प्रकार सकते हैं, वो होगा मेरा अंतिम भाग इस बायो कंट्रोल एजेंट्स यानी जैव नियंत्रण कीट के लिए जो हम पेस्ट प्रयोग करते हैं उसके लिए, उसका ये होगा अंतिम भाग। किसान साथियों, कुछ किसानों ने मुझे फ़ोन कर ये बताया कि त्यागी जी, हमारी कपास की फसल में, हमारी जो सोयाबीन की फसल होती है उसमें ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास एक साथ जो मल्टीप्लाई कर हमने बोने से पहले प्रयोग किया, उसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मैंने उन्हें कहा है कि भाई उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर दो ताकि लोग आपका देख सकें। उन्होंने कहा है जी देखो, ये काम मेरे से तो नहीं होता, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, आपकी वीडियो देखता हूँ और आपके अनुसार इनको प्रयोग करता हूँ। तो मैंने अब एक निश्चय किया है कि जो किसान मेरे बताए हुए कार्यों को कर रहे हैं और उन्हें उससे फ़ायदा मिल रहा है, वो मुझे व्हाट्सएप पर, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9910336138, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपना नाम और पूरा एड्रेस दें और क्या उन्हें फ़ायदा मिला है, मैं उनके यहाँ इस वर्ष एक बार अवश्य जाने का प्रयास करूँगा, ये मैंने तय किया है। और लोगों को ये दिखाऊँगा कि अगर आप इस प्रकार कार्य करते हो तो बहुत अच्छा होता है। आज एक बहुत अच्छा फीडबैक आया, एक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं सुशील कुमार जी, सिविल इंजीनियर हैं रेलवे में, तो 2020 में उन्होंने मेरे यहाँ से नींबू के पौधे लिए थे। मैंने उनको बताया था कि बीजू पौधे हैं, 5 साल में इन पर फल आएगा। आज उन्होंने कहा कि त्यागी जी, इन पर अभी 3रा साल चल रहा है, सेप्टेम्बर में 3रा साल होगा और इन पर 25% पौधों में फल आए हैं और मेरे बाग के एक ठेकेदार ने 2 साल के लिए ले लिया है और बहुत अच्छे पैसे मुझे मिले हैं। एक दिन अभी अगले महीने वो आएंगे, मैं उनके साथ उनके बाग पर जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। शुरू में वो बहुत शंकित थे कि पौधे चलेंगे और पौधे चल भी नहीं रहे थे क्योंकि वो सही तरह से नहीं लगाए हुए थे। मुझे वो बाग पर ले गए, जब मैंने बताया तो पौधे बहुत अच्छे चले। इस प्रकार की फीडबैक मेरा उत्साहवर्धन करती है और ये बताती है कि ये कार्य हमारे दूसरे किसानों को भी करने चाहिए। लंबी रेस का घोड़ा तैयार करने के लिए थोड़ा समय लगता है, जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा समय दीजिए, खेत को तैयार करिए और अच्छे अच्छे उत्पादों का प्रयोग करिए और इससे आपकी भी तरक्की होगी, देश की भी तरक्की होगी और हम सबकी भी तरक्की होगी। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।